अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं टमाटरों का अचार। इसके लिए हम लिए हैं 1/2 kg टमाटे, 1 मुट्ठी इमली, 1/2 kg ढक के। इसके पानी से जो ये टमाटे गल जाते, टमाटों के पानी से गल जाते, इसमें पानी ऐड। टमाटे अच्छे से गल गए हैं, टमाटे और इमली अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसे छन्नी में डाल लेंगे। छन्नी में डाल के अच्छे से ऐसा हिला के इसका पल्प निकाल लेंगे। ऐसा दबा के हम इसका अच्छे से पल्प निकाल लेंगे। पूरे छिलटे अलग हो जाएंगे और पल्प अलग हो जाएगा। अब हम टमाटरों के चार में थोड़ा 1 टेबलस्पून धनिया भी अच्छे से रोस्ट करके, अच्छे से रोस्ट करके पीस के हम टमाटरों के चार में ऐड करेंगे। अच्छे से हम पूरा इसका पल्प अलग कर लिए हैं और इसके छिलटे अलग कर लिए हैं अच्छे से। और इसमें हम 2 गिलास पानी भी ऐड करे हैं। अपने हिसाब से आप कितना खट्टा खा सकते हैं उतने आपके हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिए। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। अब हम इसे चूल्हे पे बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर जो रोस्ट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और थोड़े से करी लीव्स। अच्छे से बॉईल हुए बाद हम इसमें बघार डालेंगे। चार अच्छे से बॉईल हो गया है, अब हम इसे बघार डालेंगे। इसमें बघार के लिए हम लिए हैं थोड़े से करी लीव्स, थोड़ा 5 से 6 लहसुन, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून राया। अब ये बड़े चमचे से हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन ऐड करें। लहसुन अच्छे से लाल हो गए बाद हम इसमें जीरा राया डालेंगे। अब हम इसमें राया, जीरा और अच्छे से लाइट ब्राउन हो गए बाद इसमें हम ऐड करेंगे करी लीव्स। अब हम खट्टे में बघार डालेंगे। अब हम इसमें बघार डाल चुके हैं। अब ये रेडी हो गया है टमाटरों का अचार। अगर आप टमाटरों के अचार को आप खाने के साथ खा सकते हैं। अगर हमारे टमाटरों के इसके साथ आप तला हुआ गोश्त भी खा सकते हैं। अगर हमारे टमाटरों के अचार की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉच।